ये देख रही लिए, ये देख असली असली 50 तोला, 50 तोला, कितना 50 तोला। ये बाबा ये देखना, ये बुड्ढी की आंखें घूम गई। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं दिशा एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका मीडिया दरबार के एंटरटेनमेंट चैनल पर। हम सबके फेवरेट बाबा यानी संजू बाबा यानी डैशिंग संजय दत्त एक ऐसे कलाकार है जिनके फैंस की कोई गिनती नहीं है। उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है उनकी आने वाली हर फिल्म का, और इसके बाद तो बाबा की हर मूवी का हिट होना तो लाजमी है। उनके आने वाली फिल्म KGF चैप्टर 2 में उनका रोल होगा अधीरा का, जिसमें उनका कहना है कि जिस तरह एवेंजर्स में थानोस का रोल था उसी तरह लोग मुझे मूवी में अधीरा के रोल में देखेंगे। लेकिन लेकिन संजय दत्त का फर्स्ट लुक अब तक आउट नहीं हुआ है, और आज उनके जन्मदिन के अवसर पर कभी भी उनका फर्स्ट लुक का पोस्टर आउट हो सकता है, जिस बात का दावा सुपरस्टार यश की सबसे अवेटेड फिल्म KGF चैप्टर 2 के मेकर्स ने कुछ दिन पहले ही किया है। अब बात करें संजू बाबा के जन्मदिन की, तो उनके फैंस तो दीवाने हैं, लेकिन बॉलीवुड के कई बड़े बड़े लोग भी हमारे संजू बाबा से प्यार करते हैं। और इस दीवानगी का आलम देखिए कि उनके जन्मदिन पर ही इस बार उनका अधीरा के रोल का फर्स्ट लुक का पोस्टर आउट होने जा रहा है। हमारे संजू बाबा फैमिली को लेकर कितने इमोशनल है ये एक इंसिडेंट से पता चलता है। 2017 में आई फिल्म भूमि पहली ऐसी फिल्म थी जो उनके जेल से निकलने के बाद रिलीज हुई, और संजू ये फिल्म अपनी बेटी को डेडिकेट करना चाहते थे। हालांकि फिल्म की रिलीज की तारीख 29 जुलाई 2017 तय की गई थी, जो उनके जन्मदिन की तारीख थी, लेकिन संजय ने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करके 12 अगस्त 2017 को अपनी बेटी त्रिशला के जन्मदिन पर ये फिल्म रिलीज करवाई। वहीं 2018 में उनके जन्मदिन पर उन्हीं के बायोपिक की मूवी हुई रिलीज, जो बॉक्स ऑफिस में सेकेंड हाइएस्ट अर्निंग फिल्म बनी, और इस फिल्म का नाम था संजू। संजू मूवी जो इनके पर्सनल लाइफ पर आधारित है, उसमें इनके स्ट्रगल्स, अचीवमेंट्स, पर्सनल लाइफ सब कुछ जानने को मिला, और इनफैक्ट बहुत कुछ सीखने को भी मिला। क्या आप जानते हैं, फिल्म संजू में सुनील दत्त का रोल संजय दत्त खुद करना चाहते थे। संजय दत्त को लगा कि उनके पिता का रोल उनसे बेहतर कोई और नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने डायरेक्टर राजकुमार हिरानी से रिक्वेस्ट की कि उन्हें ये रोल करने दिया जाए, लेकिन राजकुमार हिरानी इस बात के लिए एग्री नहीं। इसके बाद अभिनेता आमिर खान को अप्रोच किया गया, लेकिन दंगल के बाद आमिर खान एक बार और बूढ़े व्यक्ति का किरदार नहीं करना चाहते थे, इसलिए परेश रावल को इसके लिए चुना गया। उन्होंने अपना करियर 1981 में रॉकी नाम की एक फिल्म से शुरू किया, और धीरे धीरे बॉलीवुड के साथ साथ लोगों के दिल में भी जगह बनाई। उन्होंने गोविंदा, मिथुन दा, धर्मेंद्र जी, जैकी श्रॉफ जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ हिट फिल्में दी। 1986 में बनाई गई फिल्म नाम संजय दत्त की एक्टिंग करियर का टर्निंग पॉइंट बना। उनके अभिनय से बिग बी, अमिताभ बच्चन इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कुमार गौरव और संजय दत्त दोनों भाइयों को अपने घर पर डिनर पर बुलाया और सोने की चैन उपहार में दी। 2003 में उनकी फिल्म मुन्ना भाई MBBS ने काफी अवार्ड्स जीते। ऐसी कोई फिल्म नहीं है जिसमें उनका कैरेक्टर लोगों को पसंद ना आया हो, हीरो हो या विलन, हर किरदार उन पर जचता है। 2008 में फिल्म फेयर अवार्ड में 100 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में संजू की 12 मूवीज को लिस्ट डाउन किया गया, जो खुद में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज हम सबके फेवरेट बाबा यानी संजू बाबा यानी मुन्ना भाई यानी डैशिंग संजय दत्त का बर्थडे है, और आज के दिन मीडिया दरबार और उनके करोड़ों फैंस को बधाई देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे संजू बाबा का फिल्मी सफर इसी तरह स्मूथली चलता रहे। अभी के लिए बाय, फिर मिलूंगी आपको मीडिया दरबार के इसी एंटरटेनमेंट चैनल पर। संजू बाबा का बर्थडे हो और हमारी तरफ से कोई गाना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये गाना संजू बाबा के लिए हमारी तरफ से। नायक नहीं।